मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्तकबाल है आपका निदा मीडिया पर। जैसा कि आपको मालूम है कि अभी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI पर सरकार ने 5 साल की पाबंदी लगा दी है, और अब जो खबर निकल कर आ रही है वो ये आ रही है कि केरला के हाई कोर्ट ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के रहनुमाओं को हिदायत की है कि वो रियासत में हड़ताल से होने वाले नुकसान के लिए 5 करोड़ रुपये जमा करें। 5 करोड़ रुपए का वो जुर्माना पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर लगाया गया है। वेबसाइट के मुताबिक PFI को ये रकम रियासत के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी महकमा दाखिला के पास 2 हफ्तों के अंदर जमा करने को कहा गया है। रियासती हुकूमत ने सरकारी और निजी इमलाक को पहुंचाने वाले नुकसान की तलाफी के लिए 5 करोड़ रुपए का मुतालबा किया था। 22 सितंबर को NIA ने मुल्क भर में PFI के दफातर पर छापे मारे, जिसमें कई लीडरों समेत सैकड़ों कारकुनानों को भी गिरफ्तार किया गया। नाज़रीन, आपको बता दें कि गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज में PFI ने केरला में सुबह से शाम तक हड़ताल की, जिसे के बाद में हाईकोर्ट ने गैर कानूनी हड़ताल करार दिया। मरकजी वजारत दाखिला ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर 5 साल की पाबंदी लगाने का नोटिफिकेशन जारी किया है। PFI का काफ़ी अरसे से तहकीकती एजेंसियों के रिडार पर है। पाबंदी से कबल सिक्योरिटी इदारों ने तंजीम के मुतअद्दिद मकाम पर छापे मारे थे। मरकजी हुकूमत का कहना है कि PFI के दहशतगर्द तंजीम जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश और ममनुआ तंजीम समी से ताल्लुकात हैं। मरकजी हुकूमत के मुताबिक PFI मुल्क के अंदरूनी सलामती के लिए एक बड़ा ख़तरा है। नाज़रीन, आपको जो हमने ये खबर बताई, आप इस खबर के बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि PFI पर यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना, इसको आप किस निगाह से देखते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। शुक्रिया।